दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिस को कैसे अप्लाई करते हैं। मेरे पास सिवा कंपनी की ये लिक्विड पॉलिस है और इसको अप्लाई करने का तरीका काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको अपनी जो भी वाहन है, बाइक, स्कूटी, इसको धो लेना है शैम्पू की हेल्प से और बाद में इसको ड्राई कपड़े से पोंछ के साफ़ कर देना है ताकि कहीं भी पानी ना बचे। देखिए ये सामने जो बूंदे हैं मैं इनको साफ़ कर रहा हूँ। बाइक पर, आपकी स्कूटी पर या कार पर कहीं भी पानी नहीं बचना चाहिए। अगर पानी है तो उसको आप साफ़ कर दीजिए, उसके बाद काम आएगा पॉलिश का। ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारे दाग हो गए हैं इस वाले पार्ट में। जो प्लास्टिक का ब्लैक वाला पार्ट होता है आपने देखा होगा धूप में खड़ी करने से ये काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद आप देखना इसका रिजल्ट एकदम से ज़बरदस्त आने वाला है। ये सिवा कंपनी की ऑल इन वन पॉलिश है जो कि लिक्विड पॉलिश है। ये मेटल पार्ट, रबर पार्ट, प्लास्टिक पार्ट सभी के लिए है अप्लीकेबल। इसके बाद आप इसको जहाँ भी आपको अप्लाई करनी है वहाँ पर आप इसको स्प्रे करके अप्लाई कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हर जगह। पूरी जो भी आपकी बाइक है, स्कूटी है, आपको हर जगह अप्लाई करनी है बराबर मात्रा में। इस प्रकार से आप अप्लाई करते जाइए। और ये आ गया आपका मेटल पार्ट। मेटल पार्ट पे भी आपको सेम ही पॉलिश अप्लाई करनी है। यही इस पॉलिश की एक बहुत अच्छी बात है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिश डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए उपयोग नहीं करनी है। कई जगह आपने देखा होगा डैशबोर्ड की अलग पॉलिश आती है, मेटल पार्ट की अलग पॉलिश आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही पॉलिश सारा काम कर देगी और रिजल्ट भी एकदम अल्टीमेट आने वाला है। ये आपका साइड वाला पार्ट है, यहाँ भी थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए। तो ये दोस्तों मैंने पूरी की पूरी स्कूटी पर इस सिवा कंपनी की पॉलिश को अप्लाई कर दिया है। दोस्तों अगर आपको रिजल्ट पसंद आए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सिवा पॉलिश का, आप इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस है और काफ़ी बड़ा पैक आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक आपका काम बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से स्प्रे करने के बाद साथ में ही ये जो मैं उपयोग कर रहा हूँ स्पंज, ये साथ में ही इस पैक के आता है तो ये भी एक अच्छी बात है, आपको बाहर से जुगाड़ नहीं करना है, साथ में ही आपको मिल जाएगा। इसकी स्पंज की हेल्प से आपको जो स्प्रे किया गया पॉलिश है आपको उसको बराबर मात्रा में हर जगह स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। तो आप मेटल पार्ट में भी सेम काम करेंगे, इसको हर जगह फैला देंगे जो आपने किया। ज़्यादा रगड़ने वाला मैटर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसी जो पॉलिश आपने स्प्रे की है उसको आपको सिर्फ अभी स्प्रेड करना है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है रफ करने का कि आपको रगड़ना है दो कपड़े से तीन कपड़े से, पहले ड्राई फिर गीला, ऐसा कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिंपल स्प्रे करने के बाद आप इस स्पंज की हेल्प से इस पॉलिश को हर जगह कोने कोने में स्प्रेड कर देंगे। देखिए मिरर के ऊपर भी कर दीजिए, मिरर भी आपने देखा होगा धूप की वजह से काफ़ी ड्राई और वाइट वाइट दिखने लगता है। स्कूटी के ब्लैक वाला जो पार्ट है उसकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो धूप में अगर आपकी स्कूटी ज़्यादा खड़ी होती है तो वो एकदम वाइट वाइट और ड्राई टाइप का हो जाता है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। तो वो समस्या आपकी ये वाली जो पॉलिश है वो सॉल्व कर देगी। तो रिजल्ट आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों, आप रिजल्ट का वेट करिए और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए किस प्रकार से आपको करना है। आपको हर जगह स्टील वाले पार्ट में, ये जो क्रोम वाला पार्ट है आप इस पर भी अप्लाई कीजिए, प्लास्टिक वाले पार्ट पर अप्लाई करना है और जो आपका मेटल पार्ट है जो बॉडी है उस पर भी अप्लाई कर दीजिए। ये सेम काम आप अपनी बाइक पर कर सकते हैं, मैं स्कूटी पर कर रहा हूँ, और आप अपनी कार पर भी कर सकते हैं। ये पॉलिश कार के डैशबोर्ड और कार का जो बाहर का मेटल पार्ट है वहाँ के लिए भी अप्लीकेबल है, इसमें कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये ऑल इन वन पॉलिश है। ऑल इन वन का मतलब ही हो गया रबड़, प्लास्टिक एंड कहीं भी मेटल वाले पार्ट पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपका अंदर वाला पार्ट आ गया जो सबसे जल्दी गंदा होता है, सबसे जल्दी वाइट वाइट दिखता है। यहाँ आपको अच्छे से बढ़िया से धीरे धीरे कोने कोने में अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त पॉलिश है और रिजल्ट कितना बेहतरीन है और कितना जल्दी से आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर देंगे स्पंज की हेल्प से। स्पंज आपको बाहर से नहीं मंगाना है, अगर आप इस पैक को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये स्पंज का पीस है ये साथ में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए मैंने ये अप्लाई कर दिया मैक्सिमम जगह। अब आप दोबारा से जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि अप्लाई करने से थोड़ा सा जगह छूट गई है या कुछ कोने वगैरह छूट गए हैं, आप देखोगे तो जैसे ये कोने हैं ना, ये तो जो सामने जो कोने हैं मीटर के आसपास ये छूट जाते हैं तो वहाँ पर आप दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। आपको कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो।
इस प्रकार से दोस्तों आप पूरी की पूरी एक्टिवा में कर सकते हैं। मैं ये लगभग 2.5-3 साल पुरानी मेरी एक्टिवा है, उसके बाद मैं इस पर पहली बार लाइफ में पॉलिश कर रहा हूँ और रिजल्ट आप अभी सामने अपने देख पा रहे हैं। आप शाइनिंग देखिए, शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त आ रही है, एकदम चमक रही है स्कूटी। कई लोगों ने कमेंट दे दिया था मुझे कि एकदम नई लग रही है, आपने कब परचेज की, तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके सामने रिजल्ट, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रिजल्ट कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर आपको इतना पसंद नहीं आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता ही है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये पॉलिश परचेज करनी है तो इस पॉलिश का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जो स्पंज है अप्लाई करने वाला, वो आपको साथ में ही इस पॉलिश के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।